ओम नमः शिवाय। बहुत से साधक और साध्वी हैं जो कमेंट करते हैं हमारे चैनल पे और हमसे बहुत कुछ जानने की चेष्टा रखते हैं। हेमंत यहाँ पर कहते हैं कि सर, मुझे सपने में पुरानी बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन दिखते हैं और गंदे सपने आते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? तो हेमंत जी, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपने तकिए के नीचे चाकू रखिए, मैंने कमेंट कर दिया है। चाकू जो होता है वो शनि का माना जाता है और इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अभी यहाँ पे मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं वो मुझसे मेरा नंबर पूछते हैं, तो वीडियो में मेरा नंबर शो हो रहा है, आप वीडियो में नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो में भी, और चैनल के जो चैनल आर्ट है उसमें भी हर जगह मेरा नंबर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रिया सक्सेना जो है वो कहती हैं कि सही बोला आपने और शायद ये मेरे मैसेज का मतलब समझ चुकी हैं जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। और रिया दत्ता ने कहा है कि पानी से अपनी इच्छा को पूरी करने का वीडियो कब आ रहा है, तो ये बहुत जल्दी आ रहा है, मैंने आपके लिए भी कमेंट कर दिया है और बहुत से लोगों ने थैंक्स कहा है मुझे। सोनी सोना ने हमसे नंबर मांगा, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, नंबर आपको फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा। और अशोक ने कहा है कि सर, आप वीडियो बहुत अच्छे हैं, नेक्स्ट वीडियो कब बनाएंगे? तो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। और अनिल यादव कह रहे हैं कि मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो अगर आपको इसको सही तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और बहुत सारे साधक हैं जो व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सएप नंबर आपको शो होता है, व्हाट्सएप नंबर सभी के लिए है 9896153833 मेरा नंबर है, मैं फिर से बता देता हूँ 9896153833। और प्रमोद भट्ट ने कहा है, सर जी प्रणाम, आपकी सभी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, गुरु जी बस आपके ही दिए गए सभी प्रयोग आजमा के सफलता पाना चाहता हूँ और कृपया ऐसे वीडियो बनाते रहें, थैंक्स। तो मैं उनको कहता रहूँगा कि कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाऊँगा, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए और चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ताकि हमारा जो परिवार है YouTube पे दुर्लभ सामग्री का, ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो और जो लोग मुसीबत में फंसे हैं उनको छुटकारा मिले। और मैं ऐसे आपसे कामना करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट्स देंगे और जितना हो सकेगा लोगों तक पहुँचाएँगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संतान के लिए। बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो संतान से वंचित हैं, वो हर तरह का प्रयास कर चुकी हैं लेकिन संतान नहीं होती, तो ऐसा जनरली रीज़न क्या होता है? देखिए, हमेशा हमारे, मैंने बताया ना, हमारे पुनर्जन्मों का हिसाब किताब होता है जो हमारे आगे आ जाता है। लेकिन क्योंकि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि संतान से कैसे आपको प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में अपने सवाल रखिए। तो देखिए, संतान की प्राप्ति के लिए एक सटीक और अचूक और अत्यंत प्रभावशाली एक उपाय है और ये इतना सरल है कि आपको लगेगा ये मजाक हो गया। आप ये करेंगे तो आपको लगेगा ये तो मजाक हो गया, मतलब क्योंकि ये उपाय ही इतना सरल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने घर में हरिवंश पुराण रखनी है, लाल कपड़े में पूर्व की दिशा में उसका फेस होना चाहिए। हरिवंश पुराण बहुत ही ये दुर्लभ है ओरिजिनल मिलना, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर से ही मंगवाएं हरिवंश पुराण, तो अधिक आपको सहायता रहेगी क्योंकि वो बहुत ही सही देते हैं, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सही होती हैं, आप उनको पढ़ के प्रैक्टिकल कर सकते हैं जीवन में। और आप वहीं से मंगाइए और उनके प्रयोग और बाकी प्रयोग करके देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। मैं यहाँ पे किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप गीता प्रेस गोरखपुर से मंगाइए, अन्यथा अगर आप वहाँ से नहीं मंगा सकते तो कहीं से भी मंगाइए, ओरिजिनल हो हरिवंश पुराण को एकदम साफ़ सुथरे तरह से लाल कपड़े में रख के पूर्व की दिशा में उसको रख दीजिए और उसके बाद देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि वो हरि वंश पुराण है, वंश को हरा रखता है, आपकी बेल को हरा रख देगा, हरा कर देगा और इसी प्रकार से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब संतान की प्राप्ति हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि किस किस को संतान की प्राप्ति हो चुकी है और हमारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो ये आज का वीडियो था कि संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही चमत्कारी, अत्यंत दुर्लभ
उपाय है जिसमें केवल ना के बराबर ही खर्चा आता है। आपको सिर्फ हरिवंश पुराण एक है जो लेनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं करना, और इससे इतना चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। इसको एक बार करके देखिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना प्रभावशाली टोटका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं किसी और विषय पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और मैं आपसे इसी तरह अपनी नई नई वीडियोज़ में मिलता रहूँगा और आपके साथ नए नए उपाय शेयर करता रहूँगा। ओम नमः शिवाय।